और बताओ अरमान, कितना क्लास हो रहा है अरमान? सुन नहीं रहे? अरमान हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, बस आ रहा। हाँ तो बहुत क्लास ले रहे तुम लोग का, ऐसा क्या कर दिया तुम लोग? हाँ, क्या सर? ऐसा क्या कर दिए इतना क्लास लग रहा है? कुछ नहीं सर, वो बस लगा दिए। तुम लोग बोले थे? नहीं सर, अच्छा, तो ले पाओगे? दिमाग ये है तो हाँ एनर्जेटिक है सर, कि ड्रेन ट्राई है पूरा? करके तो हो ही जाएगा। पता था सर, पहले से कल ही देखे थे तो। अच्छा, नींद तो आता होगा बहुत लास्ट लास्ट क्लास में, क्या एनर्जी रहता है एंड एंड तक नहीं सर? रहता होगा? नहीं सर, चलो कोई बात नहीं है, कष्ट है। तुम चलो अलका आई थी तुम तो कल क्लास, कल या परसों? यस सर। स्कूल में भी क्लास चल रहा है अभी? चलो ठीक, पांचवा लेक्चर है ना एओडी का? चलो देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? डीवाई बाई डीएक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग जानते हैं, है ना? डीवाई बाई डीएक्स होता क्या है? स्लोप होता है, ठीक है। अब क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्चुअली क्या है? चलो पहले तो हम लोग देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा होता है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है?
चेंज इन dy by dx with respect to x, ठीक है. अब क्या है, चेंज इन dy by dx with respect to x, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं क्या बताता है. जैसे अगर ये कर्व है ऐसा, ठीक है, ये कर्व है, ये पॉइंट मान लो x है, x इक्वल टू a मान लो, और ये एक पॉइंट मान लो, इसको हम लोग थोड़ा जूम इन कर रहे हैं, ठीक है, इनके और इनके बीच का डिफरेंस h है, तो इसको a प्लस h मान लेना, ठीक है. और h क्या है जानते हैं हम लोग सब, बहुत जो छोटा पॉजिटिव एक नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर है वही है h, ठीक है. तो अब d2y टू वाई बाई डी ए डी एक्स स्क्वायर क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताना. चेंज इन dy वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ. देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू a पे स्लोप आया, यही तो dy वाई डी एक्स है ना, इसका जो स्लोप आएगा इस लाइन का वही dy वाई डी एक्स आएगा, ठीक है. और ये इनिशियल था x इक्वल टू a, और फाइनल वाला कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू a प्लस h. इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे आया, ठीक है. तो बताओ चेंज इन dy बाई डी एक्स, चेंज क्या है, इसको मान लो ये m1 है, ये m2 है ना. तो d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू a क्या होगा, m2 टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एच होगा, ठीक है. तो यही तो है चेंज इन dy बाई डी एक्स, यही ये क्या है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a प्लस एच, और m1 क्या है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, और h क्या है, h क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो ये भी है क्या चेंज इन x, ठीक है. तो a प्लस एच माइनस ए, ठीक है, यही है. तो जैसे जब इस तरह का कर्व है, देखो ऐसा जब कर्व है तो d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है बताओ, तो m2 बड़ा होगा कि छोटा होगा m1 से, बड़ा है ना, ठीक है. इस केस में क्या है, इन दिस फिगर m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इस तरह का जब फिगर आएगा तब क्या आएगा d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है इस केस में. अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. और हाँ ये भी बता दें, जो कर्व है इस तरह का कर्व ऐसा, ठीक है, इस तरह का जो भी कर्व होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव अप कर्व है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव अपवर्ड है, ठीक है. फंक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव अपवर्ड. तो उस केस में क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड के लिए डी टू y by dx स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है. चलो अब नेक्स्ट इस केस का बात करते हैं, ठीक है. कर्व मेरा इस तरह का है, y equal to fx, ठीक है. अब हम लोग को क्या निकालना है, d2y by dx स्क्वायर निकालना है. तो हम लोग जानते हैं क्या, चेंज इन dy by dx a plus h पे minus dy by dx at a divided by h. ये क्या है, x equal to a, और ये मान लो x equal to a plus h, ठीक है. h बहुत small है, ठीक है, हम लोग सिर्फ zoom in किए हैं curve को, ठीक है. चलो ये हो गया, ये हो गया. अब बताना x equal to a पे dy by dx कैसे निकलेगा,
इस ये जो लाइन है इसका स्लोप बताएगा डी वाई बाई डी एक्स, और x इक्वल टू ए प्लस एच पे स्लोप क्या बताएगा, इस पॉइंट पे जो हम लोग टेंजेंट खींचे उसका स्लोप जो आएगा वो बताएगा, ठीक है। तो अब बताओ, इसको मान लो m1, ये है m2। अब बताओ तो इस केस में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय h, और s तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब बताओ इस केस में क्या है, m2 इज लेस देन m1 ना, देख लो है कि नहीं। चलो हम एक बार कंफ्यूजन तुम लोगों का दूर करते हैं, बताना। देखो ये मान लो m है, m1 m2 ये m1 है, इस केस में क्या है m2 is greater than m1, ठीक है। और ऐसा जब केस रहेगा तो इसको मान लो m3 है, ये लगभग क्या है m3 equal to लगभग tends to infinity है, तो ये m3 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, ये समझ लो m3 बहुत बड़ा एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन जैसे ही हम लोग 90 प्लस पे गए, ठीक है, तो मान लो ये m4 आ गया, तो ये m4 जो है सबसे छोटा स्लोप है, लेकिन इसका अमाउंट ये क्या है मैग्नीट्यूड इसका भी क्या है लगभग इन्फिनिटी, मतलब बहुत ऊपर बहुत बड़ा है। लेकिन अगर बोला जाए अल्जेब्रिकली तो ये क्या है सबसे छोटा स्लोप है। फिर क्या होगा, फिर मेरा स्लोप बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो। तो m5 इज ग्रेटर देन m4, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए m5 का मॉड क्या, मॉड और m4 का मॉड में रिलेशन बताओ, तो ऑब्वियसली m4 इज ग्रेटर देन m5, मॉड ऑफ m4 इज ग्रेटर देन m5। समझ में आ गया स्लोप का रिलेशन, तो ये ध्यान में रखना, कंफ्यूजन नहीं करना। किसी को कुछ दिक्कत है बताओ अभी तक, हेलो। हल्का दिक्कत है कुछ सौम्या? नहीं सर। चलो चलो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ इस कर्व के केस में, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी ऐसा केस होगा, तो अगर इस तरह कर्व है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउन है। तो इस केस में क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ गया होगा सभी को, प्रूफ। प्रूफ क्या मतलब, क्या है, एक कंकेव डाउन कर्व है और ऊपर में जो बताएं वो कंकेव अप कर्व है। तो बताओ, तो एक क्वेश्चन पूछना है, बताना, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन जो कर्व होगा हमारा या फिर फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या कंकेव अपवर्ड बनेगा या कंकेव डाउनवर्ड बनेगा, बताओ। सर दोनों हो सकता है। हाँ दोनों हो सकता है, ठीक है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। या फिर कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तब भी क्या हो सकता है, कंकेव डाउन भी हो सकता है, कंकेव अप भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यही देखो एग्जांपल लो, सो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो जब x क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है बताना, पॉजिटिव है ना। चेंज इन स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप देखो क्या है, पॉजिटिव है। अगर तुमको चेक करना है तो तुम डबल डिफरेंशिएट करो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
विल बी इक्वल टू कितना 6 ना 3x स्क्वायर फिर 6x दिस इक्वल टू 6x और x इज पॉजिटिव ना तो देखो ये पॉजिटिव हो गया ठीक है तो देखो d2y / dx स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या ये जो मेरा कर्व है जब x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा कनकेव अपवर्ड ठीक है लेकिन वही देखो जब x लेस देन 0 है तब देखो तो d2y / dx स्क्वायर क्या है नेगेटिव आएगा ठीक है चेक करना है तो डबल डिफरेंशिएट करो तो कितना आ रहा है 6x अगेन आएगा बट x इज नेगेटिव उसके कारण क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा जो कि क्या है लेस देन 0 सो हम लोग क्या बोलेंगे दिस कर्व इज क्या कनकेव डाउन ठीक है अंकित समझ में आया यस सर हाँ नहीं आया यस सर ओके ठीक तो ये हो गया मतलब अब जी कर्व जो है अपना देखो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कॉनकेविटी जब x जब पॉजिटिव है तो मेरा कर्व क्या हो रहा है कॉनकेव अपवर्ड है और जब x नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन है कर्व ठीक है चलो तो इसी पे बेस्ड एक हम लोग का छोटा सा टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ठीक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ठीक ना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है तो इस मान लो कोई कुछ बोल रहा है सर जिस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज हो हाँ वही ठीक है तो इस केस में क्या था बताओ तो x इक्वल टू जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों क्योंकि x जब ग्रेटर देन जीरो है तो कनकेव अप है कर्व जब x लेस देन जीरो है तो क्या है कनकेव डाउन है तो इस केस में हमारा कर्व का कॉनकेविटी क्या हो गया चेंज हुआ है ठीक है पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड हो गया ठीक है तो ये पॉइंट लिख लो एट दिस पॉइंट द कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी ठीक है जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं फंक्शन y इक्वल टू x क्यूब ठीक है देखो तो d2y / dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था 6x ठीक है अब हम लोग क्या देख रहे हैं इफ x ग्रेटर देन 0 तो d2y / dx स्क्वायर पॉजिटिव हो गया इसका मतलब कनकेव अप है कॉनकेव अप अगर इफ x इज लेस देन 0 ठीक है तो उस केस में क्या है d2y / dx स्क्वायर लेस देन 0 है तो इस केस में क्या है कनकेव डाउन है ठीक है तो इसका मतलब क्या जब x नेगेटिव है तो कनकेव डाउन और x जब पॉजिटिव है तो कनकेव अप तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे क्या हुआ है एट x इक्वल टू 0 फंक्शन चेंजेस इट्स कॉनकेविटी ठीक है बस यही ध्यान देना है ये एक एग्जांपल ध्यान दो हो जाएगा ठीक है चलो अब क्या है एक हम ग्राफ दे रहे हैं इसका बताना एक एग्जांपल ये
ये कर्व है एक, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए, बताओ तो इस केस में क्या है? ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट क्या है? कॉनकेविटी चेंजेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? देखो देख के नहीं बोला है, सिंपल देखना है तुमको एक्स इक्वल टू ए के पहले कर्व क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले देखो तो एक्स इक्वल टू ए के पहले हो रहा है सर। देखो जब एक्स इक्वल टू ए के पहले जब लेस देन ए है तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अब x इक्वल टू जब ग्रेटर देन a है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? लेस देन जीरो है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो सिंपल जो हमारा जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि एट पॉइंट वेयर द कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है निकालने को, ठीक है, उसका जरूरत नहीं है, ये मेन मेन बेसिक यही है, ठीक है, इससे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हो गया। देखो इस हम लोग देख रहे हैं ऐसे x इक्वल टू a पे, बताओ तो ये जो फंक्शन है क्या डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी ऐसा उसका हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सब पे कंफ्यूज मत करना। तो जैसे कभी का स्टेटमेंट बोलेगा कि फंक्शन नीड टू बी डिफरेंशियल इफ वी वांट टू गेट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल तुम लोग को बस यही ध्यान रखना है कि जो ग्राफ जो है मेरा कॉनकेविटी उसमें चेंजेस होना चाहिए बस। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलो एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर fx equal to sin x, इसका बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पहले निकालो, कॉस एक्स फिर डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन एक्स, है ना। अब देखो कहां पे साइन चेंज करने लगेगा, नहीं देखो तो एक्स इक्वल टू जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा। लेकिन x इक्वल टू जीरो से जब छोटा मतलब x नेगेटिव कुछ लोगे राउंड जीरो तो क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरह पाई पे तुम देखो, ठीक है, x इक्वल टू पाई पे देखो, पाई प्लस पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव कि पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा। और पाई माइनस पे डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हम लोग क्या बोलेंगे बताओ,
बोलो तो जीरो पाई इन सब पे क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग को मिल रहा है ठीक है तो इन जनरल हम लोग क्या बोल देंगे x इक्वल टू जब n पाई है तो उन पॉइंट पे क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा समझ में आया बोलो ठीक है चलो एक एक है अगर नहीं दिमाग लगाना चाहोगे तो सिंपल ये चीज कर लेना कि कोई भी फंक्शन है फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इफ एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एफ डबल डैश एक्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट does not exist at points where f dash x naught exist and if f dash x changes sign when passing through x equal to x naught देन क्या होगा एक्स नॉट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ठीक है सिंपल क्या करना है कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है तो सिंपल क्या कर दो एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेट कर दो ठीक है अगर इसको इक्वेट कर दोगे जीरो से तो क्या सोल्यूशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई ठीक है चलो समझ आया ना कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है ठीक है एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो तुम लोगों को कर देना है बस हो गया और कुछ नहीं है चलो बताओ और इसका तुम लोग कर भी बताना तो मतलब ग्राफ बना के दिखाना ये बताओ तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करो एक मिनट जीरो और ट्वेल्व ठीक है देखते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले तो ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ठीक है एफ डबल डैश एक्स देखते हैं तो ट्वेल्व थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स तो कितना हो गया ट्वेल्व एक्स कॉमन ले लो तो थ्री एक्स माइनस टू ठीक है इसको क्या करना है इक्वेट कर देना है जीरो से है कि नहीं इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है तो हाँ बोलो एक्स इक्वल टू जीरो एंड टू बाई थ्री पॉइंट अब तुम देख सकते हो देखो हम ऐसे रैंडमली नहीं बनाया कि हाँ इक्वेट कर दो जीरो से ऐसे निकल गया ऐसा कोई फायदा नहीं है
जब तक तुम एक्चुअली ग्राफ का मतलब नहीं समझ रहे हो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या ढंग से अगर नहीं समझो कोई फायदा नहीं है। ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ठीक है, कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है, ऐसे निकाल दे कोई। लेकिन आप उनको बोले कि कर्व बनाओ, तो बनाओ तो कर्व। लो बनाओ, मतलब एग्जैक्टली नहीं स्कीमेटिक कि कहां पे क्या होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दो। कौन कौन लेट के पढ़ रहा है? हाँ अनुज नहीं सर, लेट के नहीं पर। अच्छा भारती टेबल पे सर। सिम्मी नो सर। कृष्णा तुम्हारा तुम्हारा क्या सिस्टम चल रहा है? सर बेड पे बैठे हैं। अच्छा चलो बना लिए। देखो फंक्शन है क्या 3x4 4x3। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि रूट्स कितना होगा इसका, 3x-4 ऐसा है कुछ। तो हम लोग जान रहे हैं क्या कि फंक्शन है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो हमेशा इसका नेचर कैसा होगा? और देखो बाई क्वाड्रेटिक है और जो x टू 4 है उसका कोफिशियंट क्या है? पॉजिटिव है। तो हमेशा ऐसे ऐसा टेंडेंसी होगा कर्व का, अगर a पॉजिटिव होता है तो a पॉजिटिव इन केस ax टू द 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, अगर s इस तरह का फंक्शन है, अगर a पॉजिटिव होता है तो ऐसा नेचर होता है, अगर a नेगेटिव होगा तो नीचे से स्टार्ट होगा ऐसे करके, ऐसे समझ आया? अगर a नेगेटिव होता है तो ऐसा नेचर होता है, इसमें तो a पॉजिटिव है, ठीक है। और देखो चार रूट बन रहा है लेकिन इसका क्या है, तीन रूट एक ही जगह पे खत्म हो गया है कि नहीं? इसका मन है चार रूट बनाने का लेकिन एक ही जगह पे तीन रूट खत्म हो रहा है, तो कैसा होगा बताओ? मतलब हाँ, एक तो x इक्वल टू जीरो आ रहा है तीन बार, x इक्वल टू 0,0,0 और एक 4/3, x इक्वल टू 0 तीन बार और 4/3, ठीक है। तो कैसे होगा बताओ? देखो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आया नीचे फिर ऊपर नीचे फिर ऊपर चला गया, इस तरह का ही कर्व है। तो बताओ तो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे जीरो पे आया, अब अगर हम लोग नीचे गए फिर ऐसे गए ऐसे गए फिर ऐसे गए, ऐसा कर्व हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीचे तरफ तो गया है लेकिन देखो x इक्वल टू जीरो पे है, ऐसे ऐसे करके चला गया है वो,
एक्चुअली बना नहीं वैसा, ठीक है, ऐसे गया, फिर थोड़ा सा इस तरह का बना, फिर ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे तीन बार रूट आ गया है, x इक्वल टू 0, 0, 0, और इधर x इक्वल टू 4/3 है। चलो अभी अभी भी अगर मेरे को नहीं समझ में आया तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन से क्या दिख रहा है हम लोग को। देखो हर चीज का इंपॉर्टेंस है, f डैश x करते हैं तो f डैश x कितना आ रहा है, 12x² x माइनस 1, ठीक है। मतलब यही, इससे क्या मालूम चल रहा है, f डैश x से ये मालूम चल रहा है कि चेंज इन स्लोप, सॉरी चेंज इन स्लोप बोल रहे, स्लोप क्या होगा। तो देखो तो x इक्वल टू 0 पे चेंज इन स्लोप 0 होगा और x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो बताओ तो x इक्वल टू 1 पे स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या, ये x इक्वल टू 1 है ना, तभी तो यहाँ पे स्लोप है सो 0 आ रहा है, ठीक है। देखो आइडिया ऐसे ही सोचना है, और x इक्वल टू 0, ठीक है, देखो x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 ही है ना, इसको इसको कंपेयर कर लो इस तरह से y इक्वल टू x क्यूब वाले ग्राफ से, देखो तो इसका dy by dx क्या है, 3x² और at x इक्वल टू 0 पे dy by dx क्या होगा, 0 ही होगा, है कि नहीं। मतलब अगर x इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या आएगा, x y इक्वल टू 0 आएगा, है ना, ये है। चलो ऐसा हो गया, ठीक है, और भी कुछ, x इक्वल टू 0 इतना आइडिया लग गया, f डैश x से मेरे को ये मालूम चला, अब f डबल x से क्या मालूम चल रहा है, चलो f डबल x देखते हैं, f डबल x कितना आएगा, 12x × 3x − 2, ठीक है। तो इससे क्या एक रूट आ रहा है, f डबल डैश, तो ये बताएगा हम लोग का क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बताएगा ना f डबल डैश x क्या बताया था, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो पॉइंट क्या बताता है, क्या बताता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि उस पॉइंट के अराउंड f डबल x मेरा चेंज होता है, ठीक है। तो तुमको मालूम होगा ऐसे अगर पढ़े होगे, x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 2/3 है, देखो इसका हम रूट नीचे मतलब रूट प्लॉट कर रहा हूं नंबर लाइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो तो x इक्वल टू 0 जब से जब छोटा होगा तो f डबल डैश x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जब x इक्वल टू 0 से जब बड़ा होगा तो नेगेटिव होगा। तो देखो तो चेंज इन साइन ऑफ f डबल x आया, मतलब चेंज इन कॉनकेविटी हुआ कि नहीं हुआ x इक्वल टू 0 पे, बोलो, और अब क्या है, x इक्वल टू 2/3 पे भी देखो क्या है, पहले नेगेटिव था, मतलब नेगेटिव था, इसका मतलब क्या कि कनकेव डाउन कर्व है, अब जैसे ही x 2/3 से बड़ा हुआ x, तो क्या हो गया, कनकेव अप हो गया, ठीक है। तो देख लो 2/3 ना, x इक्वल टू 0 और 2/3, तो x इक्वल टू 0 के पहले मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए, देखो x इक्वल टू 0 के पहले, देखो हम लोग का एक्चुअली ऐसा ग्राफ बना, कुछ ऐसे करके ऐसे ऐसा बना ना, हाँ, x इक्वल टू 0 के पहले पॉजिटिव है, मतलब d2y/dx² क्या है, पॉजिटिव है, इधर d2y/dx² क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, कनकेव अप है कर्व, ठीक है। और जैसे ही x इक्वल टू 0 से बड़ा है इस जगह d2y/dx² क्या है, नेगेटिव है, तो कनकेव डाउन, देखो तो कनकेव डाउन बन रहा है, देख रहे हो कनकेव डाउन दिख रहा है ना, कनकेव डाउन, ठीक है। अब
अब कहां पे चेंज करने लगा फिर? क्या बोल रहा है? ये पॉइंट याद होगा x इक्वल टू वन था और ये पॉइंट क्या था? x इक्वल टू फोर बाई थ्री था क्या? फोर बाई थ्री, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि टू बाई थ्री पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। देखो x इक्वल टू टू बाई थ्री जो है वहां पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया। एक क्या काम क्या करते हैं, अच्छे से एक ग्राफ बनाते हैं इसका। तो टू बाई थ्री पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे लिए कनकेव अप, अब x इक्वल टू जीरो पे कनकेव डाउन होगा, लेकिन फिर अगेन एट x इक्वल टू टू बाई थ्री पे कनकेव क्या बोल रहा है, डाउन तो था ही कनकेव डाउन, लेकिन अब थोड़ा सा x इक्वल टू बाई थ्री पे पॉजिटिव हो गया तो कनकेव अब अप होने लगेगा। पर ऐसे बात समझ में आया? तो बड़ा 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 फिर ऐसे हुआ, ये हो गया x इक्वल टू वन जहां पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, फिर ये ऊपर चला गया, ये क्या हो गया x इक्वल टू फोर बाई थ्री, और ये कनकेविटी चेंज हुआ यहाँ पे। तो गंदा लग रहा है, समझ लो, ठीक है। कनकेव डाउन इस पॉइंट, यहाँ पे कनकेव अप, बस फिर x इक्वल टू टू बाई थ्री के बाद सब है सो कनकेव अप ही है, देखो ठीक है, कुछ नहीं आ रहा चेंजेस इन कर्व, देखो सभी कनकेव अप होगा, ठीक है। आया समझ में सभी को? सौम्या? यस सर। चलो एक मिनट रुकना, चलो इनइक्वालिटीज ठीक है। ये क्या है, इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। जैसे देखो एक हम एग्जांपल लेते हैं एक फंक्शन का fx, ये फंक्शन है fx इक्वल टू x, मान लो माइनस साइन x, ठीक है, ये बेसिक है। बताओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, ये फंक्शन है। बताओ फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव भी हो सकता है उसका वैल्यू? एक्स हम लोग कुछ भी पुट करेंगे ना, एक्स क्या है इसका डोमेन, ऑल दियर पुट करते रहो। एफ एक्स क्वेश्चन है उससे कि एफ एक्स का पॉजिटिव क्या हमेशा होगा या नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरह क्वेश्चन है। तो जीरो जीरो तो खैर हो ही हो जाएगा x इक्वल टू जीरो पे, अदरवाइज बताओ तो? सर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे मालूम चल रहा है हम लोग को? देखो कोई भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी कर्व हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, हर चीज का एकदम स्पेसिफिक कर्व हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन बस एक आइडिया लगा सकते हैं। कैसे आइडिया लगा सकते हैं? बस इससे आइडिया लगा सकते हैं कि फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, या फिर उसका स्लोप कैसे जा रहा है, उसका ट्रेंड कैसा है, या फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन कैसा है, मतलब कॉनकेविटी अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, ठीक है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, मतलब इन सभी को जज करते हुए एसिमुलेट करते हुए फिर है सो हम लोग कर्व स्कीमेटिक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, f डैश x करो, ठीक है, इससे क्या मालूम चल रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स,
देखो तो f dash x क्या है, this will always be positive या फिर equal to zero, होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि cos x maximum कितना जाएगा, 1 जाएगा, otherwise हमेशा 1 से तो छोटा ही रहेगा, तो हमेशा 1 से जब घटाएंगे तो positive रहेगा, इसका मतलब यही है कि f dash x अगर greater than 0 आ गया, इसका मतलब क्या, function is increasing, है ना, function is increasing, इसका मतलब यही हो गया, fx is increasing, है ना, तो इसका मतलब क्या, बताओ, सो मैं तुम लेकिन गलत बोली कुछ, ठीक है, इससे हम लोग को ये मालूम चला है कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर इफ इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन क्या होगा, f x2 विल बी ग्रेटर देन f x1, ठीक है, ये हम लोग को मालूम चलता है f dash x इन सब ये सब निकालते हैं तो, ठीक है, अब अगर चलो और एक चीज है, एक मिनट रुकना, ठीक है, चलो ये बस आइडिया रख लो कि f f डैश इससे क्या मान जाता है, अगर f डबल f डैश x करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो इस क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हमेशा ये वाला केस, जब x2 अगर ग्रेटर देन x1 है तो f x2 क्या होगा, ग्रेटर देन f x1 होगा, तो इसका हम लोग यूज करेंगे इनइक्वालिटीज को प्रूव करने में, ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन है, prove that ln 1 plus x is greater than less than x for x greater than 0. So, हुआ प्रूफ, ये मान लो फंक्शन ये है, देखो अब
बना बना कोई तो सब भाग गया। हाँ अलका नो सर क्या हो गया तुम लोगों का बताओ इतना आसान है क्या करेंगे प्रूफ करना है कि ln 1 plus x छोटा है x से तो ये लिखो fx equal to this f dash x करो कितना आ रहा है 1 minus 1 1 plus x तो देखो तो x by 1 plus x तो which is positive ना always ये हमेशा increasing है increasing है इसका मतलब क्या कि लोग मान लो f x2 if x2 is greater than x1 तो बताओ तो f x2 will be greater than f x1 होगा कि नहीं होगा बताओ ठीक है तो बताओ अगर for the time being इसको रहने दो कि x greater than equal to 0 अगर समझो ठीक है तो क्या आ रहा है कोई भी एफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन एफ जीरो तो होगा ही क्योंकि बोला ना कि एफ एक्स इज क्या है ग्रेटर देन जीरो बोल रखा है तो क्वेश्चन में एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ जीरो ना तो देखो तो एफ एक्स क्या है एक्स एक्स माइनस एल एन वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो जीरो पुट करो तो जीरो माइनस एल एन जीरो सॉरी वन तो क्या आ गया जीरो इसका मतलब क्या x is greater than ln 1 plus x ठीक है आया समझ में सभी को बोलो सर हाँ एक बार फिर से बता दे सर डिस्कनेक्ट हो गया था ऐसे भूला गया क्या तो फंक्शन हम लोग ये लिख दिए fx equal to x minus ln 1 plus x हम लोग f dash x निकाले ठीक है तो देखे क्या when x is positive then x by 1 plus x is positive इसका मतलब क्या f dash x is sorry positive तो इसका मतलब fx is always increasing ठीक है तो अगर मान लो if x2 is greater than x1 then क्या होगा fx2 will be greater than fx1 तो उस तरह उसी तरह क्वेश्चन में क्या बोला है कि x is greater than 0 ना x क्या है पॉजिटिव है तो x greater than 0 है तो fx will be greater than f0 होगा तो fx हां fx equal to हम लोग क्या लिखे x minus ln 1 plus x जो फंक्शन मार्क एज्यूम किए थे और f0 क्या हो जाएगा 0 minus ln1 तो ये क्या गया जी भी 0 आ गया तो x minus ln1 plus x is greater than 0 then x is greater than ln1 plus x ठीक है चलो इसी भी बेस्ट है चलो लास्ट ही क्वेश्चन है ये कर लो छोड़ देंगे प्रूफ करो कि ऐसा होता है
गया सर। बहुत आसान है, लेकिन फिर क्या करो, f x equal to ln 1 plus x, ऐसे ही बनाएं। हाँ सर, f plus x करो, तो 1 plus x आ गया, फिर y 1 plus x को इसको ऐसे ही मान लो, इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 plus 1 plus x, तो minus 1 है तो 0 हो गया, फिर minus इसका मतलब क्या, x1 छोटा है x2 से, तो एफ एक्स टू क्या होगा, बड़ा होगा एफ एक्स वन। ठीक है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगा दो, तो वही बोल क्या रहा था, x is greater than 0, तो fx will be greater than f0, पुट कर दो आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो कितना है, बहुत आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ, हो गया प्रूफ, है कि ना? ठीक है, यस सर। और एक दे क्या क्वेश्चन, चलो हम तुमसे पूछते हैं ये, फाइंड x by sin x is the greatest integer function, बताओ। हम बता दे रहे हैं, हाँ एक मिनट, लिमिट x tends to 0 plus, ये क्वेश्चन है। सर ये x plus h लिखेंगे और उधर sin x plus h लिखेंगे, तो तब जब h बहुत छोटा है तो sin x plus h को h लिख सकते हैं, तो h हट जाए। देखो एक चीज, ठीक है तुम बोल रहे हो, f dash x क्या है इस केस में, x minus sin x में ये हमेशा पॉजिटिव होगा, except for the fact that when x is 0, तो है सो मतलब equal to हो जाएगा, है कि नहीं? जब x by sin x करेंगे तो 1 आएगा उस केस में, है ना? At x equal to 0 पे x by sin x करेंगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि x equal to 0 पे क्या है? f dash x 0 है, ठीक है? लेकिन x यहाँ पे जीरो नहीं है ना, देखना, तो f dash x equal to 1 minus cos x will be greater than 0, ठीक है, will be greater than 0, तो ये क्या होगा, x minus sin x, देखो x equal to 0 पे fx क्या आ रहा है, at x equal to 0 fx equal to 0 है, लेकिन जब जब x 0 से थोड़ा बड़ा रहेगा तो क्या होगा, fx obviously greater than 0 रहेगा, तो इसका मतलब क्या, x is greater than sin x ना, ठीक है, जब x greater than sin x है तो क्या आना चाहिए, एक से बड़ा आएगा x by sin x, दूसरा greater sin function लेंगे तो क्या आएगा, इज ग्रेटर देन वन ना, तो जब इसका ग्रेटर सेम फंक्शन नहीं है, यही बोल रहे थे क्या, और ना बोल रहे थे, नहीं सर अरमान, अरमान हाँ यही बोल रहे थे तुम, यस सर, ठीक है, तो उसी तरह तुम लोग एक बार चेक कर लेना होमवर्क में, अभी हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, कि x by tan x का क्या है सिस्टम, ये निकालना, x by tan
इनवर्स एक्स निकाल के एक बार देखना, ठीक है, ये सब फाइंड करना एक बार। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स चेक कर लेना। अभी तो हम लोग जस्ट देखे क्या सबका लिमिट लेना एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, क्या देख लेना। अगर मन करे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फिर चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि जब जीरो माइनस रहेगा तब क्या आएगा, एफ एक्स विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या था, फंक्शन वाज जीरो और इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या, एक्स जब कम रहेगा जीरो से तो फंक्शन जीरो से भी कम रहेगा, इसका मतलब नेगेटिव रहेगा, तो उस केस में एक्स विल बी लेस देन साइन एक्स। तो उस केस में अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, सॉरी जीरो आ जाएगा बोल रहा, हाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, चलो एंड करते हैं। हल्का समझ आया? यस सर। ठीक ठीक है, चलो ऐसा ही क्लास चलेगा 8 बजे तक। हाँ सर, बस पता नहीं आगे का। अच्छा, ठीक है, चलो।